फ्रेंड्स, आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है और हम जैसा कि जानते हैं कि सदियों सदियों से हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा है। चाणक्य नीतियों से लेकर शून्य के आविष्कार तक विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के साथ हिंदुस्तान ने विश्व के सामने अपनी जो एक कल्पना प्रस्तुत की है, अपनी जो एक इमेज प्रेजेंट की है, उसमें हम हिंदुस्तानियों को बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही चुनौतियों को अपनाने वाला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में चुनौतियां होती हैं और हमारा देश इस वक्त जो बहुत बड़ी चुनौतियों को फेस कर रहा है और उससे निकलने को आतुर है, पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ हम सभी लगे हुए हैं हिंदुस्तान को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने के लिए। जी दोस्तों, DDF एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी में हमारा सपना यही है और हमारा ही नहीं, मुझे लगता है इस देश से जितने भी प्यार करने वाले हैं उन सभी का सपना यही है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया एक बार फिर से बना दें। दोस्तों, हमारा ये जो प्रोग्राम है DDF एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनके लिए हम विशेष रूप से लाते हैं अपने इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स जो उनको बिजनेस के, व्यापार के विभिन्न आयामों से रूबरू करवाते हैं, विभिन्न विषयों से परिचय करवाते हैं उनका, और हर बार कुछ नया सिखा कर जाते हैं। तो साथियों, आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही मैं कहूँगी अनछुए और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल विषय को लेकर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो शख्सियत होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे हैबिट्स में और हमारी बाकी चीज़ों में समाहित होती है। तो कई बार बोला जाता है ना कि हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम जैसा लिखते हैं या हम जो हस्ताक्षर करते हैं उससे भी हमारी पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हम क्या है और हमारे भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें बोला जाता है ग्राफोलॉजिस्ट। जी साथियों, तो आज हमारे इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विनीत बनसोड़े जी। विनीत बनसोड़े जी इज लीडिंग सेलिब्रिटी लाइफ कोच एंड ग्राफोलॉजिस्ट हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। ही इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। 2 दशकों का अनुभव कम नहीं होता साथियों, और इतने बड़े अनुभव के साथ इतने लंबे अंतराल से इस काम से जुड़े होने के बाद आज विनीत बनसोड़े जी जिस तरह से हमारे सामने आए हैं, उनकी शख्सियत उभरती है एक ऐसे एक्सपर्ट के रूप में जो कई कई ऐसे लोगों को रास्ता दिखा जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित कर जाते हैं। मैं स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री विनीत बनसोड़े जी को। जी नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक जो विषय है ये थोड़ा सा बहुत ही ऐसा जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी की जो लेखनी रहती है बड़ी सुंदर रहती है और किसी की गड़बड़ रहती है थोड़ी। तो बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि व्हाट डस इट मीन, और पूरा इस विषय से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं जो हमारे शो का फॉर्मेट है। तो विनीत जी, हमारे शो का फॉर्मेट ये है कि 20 मिनट्स आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी हमें देनी है। इन बिटवीन हमारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे और बहुत सारे सवाल आएंगे। आई होप कि सभी के लिए ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग सा विषय है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और इस बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आप हमें इससे जुड़ी जानकारियां देंगे। सो सबसे पहले स्क्रीन इज ऑल योर्स, और आप हमें बताइए कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी ऑल अबाउट। ग्रेट। सो बहुत ही अलग टॉपिक है ग्राफोलॉजी, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। सो ग्राफोलॉजी इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर
the character of the person or personality jo bhi hai, but we say that graphology is the science to basically understand the thought process of a person. And sabse important cheez jo hoti hai to understand the thought process of a person is a lot of hum log guesswork karte hain ki ye banda aise baat kar raha hai ya ye banda aise behave kar raha hai तो शायद इसका बिहेवियर ऐसा होगा, बट यू नो ग्राफोलॉजी एक साइंटिफिक वे है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल पर्सन इनसाइड। दैट मींस जैसे यू नो मेडिकल साइंस में ईसीजी होता है, जो हार्ट को लगाएंगे तो हार्ट में क्या चल रहा है उसका एक यू नो ग्राफ पेपर पर आ जाता है, और वो डॉक्टर होते हैं वो ग्राफ देखकर वो इंसान का जो हार्ट है उसकी क्या स्थिति है, उसमें अंदर क्या हो रहा है, ये बिना खोले जान सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये अगर समझना है तो हैंडराइटिंग एक ग्राफ है, जो आपके ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वो आपके पेपर पर आ जाते हैं, और वो ग्राफ से आप इस आपके ब्रेन में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, दूसरों के ब्रेन में क्या चल रहा है, उनके स्वभाव में क्या चल रहा है, वो सारी बातें समझ सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके क्या वीकनेसेस हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्या स्ट्रेंथ यू नो कुदरत ने दी है आपके पास वो आप जान सकते हैं। जैसे हम सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट अनटैप पोटेंशियल बहुत सारी चीजें होती है जो अपने दिमाग में होती है जो हमें पता नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यू नो 20-25 साल लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माय कॉलिंग, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय पोटेंशियल, व्हाट इज माय रियल कोर, जिसके जिसको मैं फोकस करें लाइफ में कुछ यू नो फोकस करूं। तो बहुत लोगों का टाइम इसमें निकल जाता है कि व्हाट एम आई गुड इन, बट ग्राफोलॉजी इज लाइक ईसीजी ऑफ द ब्रेन which tells you what is the right thing you should do, what is the gifted thing that you have, आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आते समय ही कुदरत ने दी है और आप उसको ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बार इसका यूज इसलिए करते हैं हम लोग कि यू नो वी नो दैट हमें क्या चेंज करना है हमारे हमारे बिहेवियर में या थिंकिंग में। जैसे यू नो 15-20 साल से हमको पता है कि हमको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, यू नो खाने पे ध्यान देना चाहिए, हमारे गुस्से को या इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे आदतें डेवलप करनी चाहिए, थोड़ा डेली रीडिंग करना चाहिए, एवरी मंथ थोड़ा सेव करना चाहिए, ये सब हमको पता होता है, बट वाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट, हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते ये हमको पता नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी है जिसका रीजन हमारे पास नहीं है, मतलब यू नो इंग्लिश में उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर इज आई डोंट नो समथिंग एंड आई डोंट इवन नो दैट आई डोंट नो, मतलब एक चीज आपको आपके बारे में ही पता नहीं है और आपको ये भी पता नहीं है कि आपको पता नहीं है, और वो ग्राफोलॉजी आइडेंटिफाई करके दे सकती है। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है तो आपको पता होगा ब्लू इज माय फेवरेट कलर फॉर एग्जांपल, तो ब्लू इज माय फेवरेट कलर इतना आपको पता है, पर ब्लू ही आपका फेवरेट क्यों है ये हमको पता नहीं होता। हम कुछ गेस वर्क करते हैं, अच्छा मुझ पे सूट करता है, ये कूल होता है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट ऐसी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऐसी है जो हमें पता नहीं है। जैसे आपको ये स्पेसिफिक फूड क्यों अच्छा लगता है, आपको ये टाइप के लोग क्यों अच्छे लगते हैं, आपको ये टाइप का रीडिंग क्यों अच्छा लगता है, आपको यही टाइप की किताबें क्यों अच्छी लगती है, इन टू द एक्सटेंट कि आपको एक ही तरह के लोग जिनका एक टाइप ऑफ फेस कट होता है वैसे लोग आपको अच्छे लगते हैं। तो ये सारे शेप्स होते हैं, इसका कनेक्शन आपके यू नो थिंकिंग से होता है, एंड इसीलिए आपको नहीं पता होता है कि मुझे पता है कि यू नो मुझे अभी ये करना है, ये यू नो मुझे जिम जाना है, बट मुझे नहीं यू नो मुझे नहीं होता मुझसे, या मुझे अब मेरे एंगर पर कंट्रोल करना है बट मुझे पता नहीं है कि मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ बट हो ही नहीं रहा है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज इसका रूट कॉज हमें पता नहीं होता, और रूट कॉज आपके सबकॉन्शियस में होता है, और कोई भी इंसान आपके सबकॉन्शियस से अंदर जाके नहीं देख सकता कि व्हाट इज द चैलेंज, बट ग्राफोलॉजी कैन गो टू योर यू नो सबकॉन्शियस माइंड and it can tell you कि आपका ये you know weakness है, और इसकी वजह से जो 10-15-20-25 आपके negative you know parameters है या behavior traits है वो आ रहे हैं। तो like every person is made up of you know many different kind of root causes, तो जितने भी root cause है वो हम लोग identify कर सकते हैं। Now what is the use of graphology? Definitely personality development, अगर you know आपका communication अच्छा नहीं है तो handwriting में वो दिख जाता है, और हम लोग जब handwriting और signature में थोड़े changes करते हैं या उसको थोड़ा modification करते हैं जिसको हम लोग graphotherapy बोलते हैं,
तो ग्राफोथेरेपी देने के बाद आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, आपकी लीडरशिप बढ़ सकती है, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ सकता है, आप आई फॉर डिटेल बढ़ सकता है, आपकी सेविंग हैबिट्स चेंज हो सकती है, आपका टेम्पर कंट्रोल हो सकता है, आपका रिएक्टिवनेस कंट्रोल में आ सकता है, बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 300 थिंग्स अबाउट अ पर्सन हम लोग चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्राफोलॉजी. अब डेफिनेटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप खुद हो ग्रो हो जाएंगे तो आप जो भी काम करते हैं वो ग्रो हो जाएंगे. जैसे आप स्पोर्ट्स में है आप या म्यूजिक में है, तो जिस वक्त आपका नॉलेज आपके पास आ जाता है, उसके बाद जितनी आपकी पर्सनालिटी है उतना आपका ग्रोथ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10 मर्सिडीज कार की रेस लगाएंगे तो गाड़ियां तो सारी मर्सिडीज है, मतलब एवरी कार इज बेस्ट, फिर भी उसमें से एक कोई तो मर्सिडीज फर्स्ट आएगी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स एबिलिटी. तो 10 मर्सिडीज सेम है लेकिन उसका ड्राइवर जो है वो अलग है. तो अगर ड्राइवर पावरफुल है तो वो फर्स्ट आएगा, नो इरिस्पेक्टिव ऑफ सारी गाड़ियां सेम है. तो हम लोग लाइफ में बिजनेस करते हैं या अपने करियर में होते हैं, तो एक ही बिजनेस में एक बंदा ग्रो हो जाता है और दूसरा बंदा फेल हो जाता है. बिजनेस तो सेम है, मार्केट तो सेम है, इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज द ड्राइवर ऑफ बिजनेस इज नॉट ग्रोन. तो बहुत बार रिसेंटली मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि जो एंटरप्रेन्योर को ये सिखाते हैं कि आपको क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए. मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, मोटिवेशन हो गया, विजन प्लानिंग करो, एक्शन प्लान बनाओ, थिंग्स लाइक दैट. सो ये बिजनेस पे क्या करना है वो सिखाया जाता है, लेकिन बिजनेस मन पे क्या करना है, जो इंसान बिजनेस का है उसको कैसे डेवलप करें, उसको कैसे हम लोग पावरफुल बनाएं ताकि वो बिजनेस और अच्छी तरह से करे, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि एनी बिजनेस ही स्टार्ट्स ही विल बी एबल टू मेक इट अ सक्सेसफुल बिजनेस. तो एक एंटरप्रेन्योर के ट्रेट क्या होते हैं? ही शुड हैव गुड लीडरशिप, वेरी गुड इन डेलीगेशन, ही शुड बी वेरी डिटरमाइंड, ही शुड बी वेरी फोकस्ड, ही शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें. तो ये सारी चीजें अगर आप में नहीं है तो आप कितना भी आपको फैसिलिटीज मिले बिजनेस में, आपको फंडिंग मिले, आपके पास कस्टमर्स है, तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर. और हम लोग ड्राइवर पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ विद ग्राफोलॉजी. बहुत सारे लोग पहली बार बिजनेस में आते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनका जो अपब्रिंगिंग होता है उसमें बहुत सारी चीजें जो बिजनेस के लिए जरूरी है वो नहीं सिखाई जाती. जैसे आप फाइनेंस कैसा मैनेज करेंगे, टिपिकली आई एम फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, तो महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा बिजनेस पे नहीं होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको व्यवहार कैसा करना है या ट्रांजेक्शन कैसे करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे करने है, या अपब्रिंगिंग ऐसा होता है कि आप कर्जा नहीं लेना चाहिए आपको, तो ये सारी चीजों का फियर होता है. So the problem of the business is not the market. The problem of the business is not finance or the customer or the orders. The problem is that aapke andar jo fear hai, risk taking fear hai, wo fear jab tak nahi niklega, tab tak aap bada business nahi kar payenge. And so in this area I work for the past 10 years. Main personal coaching karta hu entrepreneurs ki aur 1-to-1 coaching hota hai. Ek saal ke liye hum log के कोचिंग करते हैं. इसमें वी कॉल इट लाइफ कोचिंग रादर देन बिजनेस कोचिंग बिकॉज़ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ में 10 सारी चीजें होती हैं और अगर आपके पास्ट में कोई चैलेंज है, अगर आपके फैमिली में कोई चैलेंज है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग पे वो इम्पैक्ट करेगा और वो इम्पैक्टेड दिमाग, नेगेटिव इम्पैक्टेड दिमाग बिजनेस हैंडल करेगा. सो इट विल बी अ वीकर माइंड. सो एज अ एंटरप्रेन्योर यू शुड बी अ वेरी पावरफुल पर्सन. तो एक 1-to-1 एक रिश्ता हो जाता है विद द एंटरप्रेन्योर एंड एवरी 15 डेज मीट हिम, एवरी हर 15 दिन में हम लोग उससे मिलते हैं और 1-to-1 इतनी सारी बातें करते हैं कि जो आपके दिमाग में बहुत सारी चल रही है. जैसे बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा एंड ऑडियंस विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस कि अगर आप ऑफिस हो तो घर की सोच लेके, घर की प्रॉब्लम्स लेके ऑफिस में जाते हो, जब आप ऑफिस में घर जाते हो तो ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर लेके जाते हो. सो दिस काइंड ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन इज अ स्किल. तो ये सारी चीजें हम लोग हमारा हैंडराइटिंग चेंज करके या हमारे सिग्नेचर में थोड़े से बदलाव करके कर सकते हैं. अनदर यूज फॉर एंटरप्रेन्योर इज जब आप राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूट कर. नॉर्मली हम लोग वी बिलीव दैट आपका लाइफ अच्छा या बुरा तभी होगा जब आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे, तो आपका लाइफ अच्छा होगा. अगर आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग आ गए तो आपका लाइफ नेगेटिव होगा. तो आपका पूरा सक्सेस, आपका पूरा हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट अबाउट पीपल अराउंड यू.
तो ग्राफोलॉजी बताता है कि ये इंसान से मैं आगे फ्रेंडशिप करूं या नहीं करूं, ये इंसान को मैं एज अ एम्प्लॉय हायर करूं या नहीं करूं। तो वी आर ऑन मेनी यू नो कंपनीज पैनल, जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज पे यू नो एज अ वेंडर है एज ग्राफोलॉजिस्ट, एंड वी हेल्प देम एनालाइज द सीएक्सओ लेवल, जैसे सीईओ रीडिंग करते हैं या बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड करते हैं आजकल, कोर्सेज है कि हाउ टू क्रैक अ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में तो ये एम्प्लॉय आपको बहुत इम्प्रेस कर देगा, बट जब वो एक्चुअली आपको ज्वाइन करेगा तो 6 महीने के बाद पता चलेगा अरे ही वॉज वेरी गुड इन द इंटरव्यू बट ये एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रहा है। But you know, with graphology, we can identify the you know intricacies of that person. जैसे tendencies होती है, तो वो हम लोग identify करके बता सकते हैं कि ये you know he's only a good talker but not a very good doer. Another thing is we do the culture match for entrepreneurs. अगर आप business कर रहे हो, तो हम normally ऐसे बंदों को hire करते हैं जिन्होंने already कहीं पे अच्छा काम किया है. But there is a culture of an organization. For example, एक कंपनी में काम करने वाला इंसान वहां के कल्चर की वजह से अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मैच नहीं हुआ तो मेनी टाइम्स ही विल नॉट बी अ वेरी गुड एम्प्लॉय। सो द कल्चर शुड मैच यू नो एंड दैट काइंड ऑफ कल्चर मैचिंग वी डू विद ग्राफोलॉजी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू इज व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स, हम लोग जब क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो किस क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है वो हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर एक अच्छा क्लाइंट है तो उसको ज्यादा डिटेल की जरूरत है, तो उसको प्रेजेंटेशन ज्यादा डिटेल, और एक ऐसा क्लाइंट है जिसको कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत है तो उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा देंगे। और हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सभी लोगों को एक तरह से ट्रीट करते हैं, बट जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बताती है कि हर इंसान के अंदर एक यू नो एनिमल होता है, उसका ट्रेड होता है। तो अगर आपके पास 10 बंदे काम कर रहे हैं तो एक शेर जैसा काम करेगा, एक रैबिट जैसा काम करेगा, एक सांप जैसा काम करेगा, राइट? बट हम ट्रीट करते समय सबको सिमिलरली ट्रीट करते हैं। तो व्हाट वी डू इज विद ग्राफोलॉजी हम इन सब लोगों का एनालिसिस करते हैं और हर एक इंसान को इंडिविजुअली कैसे हैंडल करना है, अगर शेर है तो शेर को कैसे हैंडल करना है, अगर ये रैबिट है तो इसको कैसे हैंडल करना है, और इसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। हम जिन जिन कंपनियों में काम करते हैं वहां का एट्रिशन रेशियो ऑलमोस्ट हम लोग जीरो कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट हायर द रॉन्ग पर्सन, हम लोग गलत आदमी को रिक्रूट ही नहीं करते, तो ये छोड़ के जाने का या उसको निकालने का सवाल ही नहीं आता। यू नो सो बहुत फिल्टर किया जाता है एंड उसके बाद ही हम लोग रिक्रूट करते हैं, बट वी रिक्रूट द राइट काइंड ऑफ पर्सन विद डेफिनेटली द सब्जेक्ट नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस बट ऑल्सो द राइट कल्चर दैट रियली मैचेस। सो यू नो इट्स 100% सेल्फ डेवलपमेंट काइंड ऑफ science where it will tell you what is the strength and what is the weakness and it can help you. Another thing is about identifying what is your focus. Agar aap business kar rahe hain to aapko business mein sales pe focus karna hai ki aapko business mein aapko finance pe focus karna chahiye ya business mein aap sourcing and trading pe focus karna chahiye ya aapko marketing pe focus karna chahiye ya aapko hr pe focus karna chahiye. As an entrepreneur aapko kahin to focus karna padega ek vertical mein, and that we can identify through graphology. So you are good at sales ki aap good at hr ho ya aap good at new development for business ho ya aap good in creating new products ho, ये एक प्रोडक्ट को पता होना चाहिए। नॉर्मली एंटरप्रेनर इज ही थिंक्स कि मुझे सब आता है और मुझे सब करना है, बट इफ यू सी ऑल द बिग सीईओस दे विल फोकस ऑन वन एरिया डेफिनेटली, राइट? दैट इज वन। एंड लाइक वी ऑलवेज से एज यू बिकम सक्सेसफुल यू नो इट इज ऑलवेज लोनली ऑन द टॉप। तो बहुत बार जब आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं एंड आसपास आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेज करते हैं या आपको look up to, जैसे आपको employees आपको बोलेंगे sir I am very blessed to have a boss like you and I am very happy to work with you, but आपका ये problem हो सकता है as an entrepreneur कि whom should I discuss with everything, क्योंकि unbiased relation हमारे पास नहीं है, एक ऐसा relation नहीं है जहाँ पे हम लोग हमारी दिल की 100% बात you know किसी के साथ share कर सके। तो अगर आपके दिमाग में कोई अलग problem है, many times you know I ask this question you know all the successful people who are very successful are they really happy? अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपने एक मटेरियल चीज अचीव की है, बट आपको क्या सुकून की जिंदगी है आपके पास? यू नो आर यू गेटिंग अप एवरी मॉर्निंग जंपिंग आउट ऑफ बेड एवरी
हर सुबह जब लोग अब उठते हैं, आर वी एक्साइटेड फॉर द डे, और हम लोग, या देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू, इट कुड बी यू नो बिलीव्स कुछ होती है लोगों की बचपन से, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होती है, या कुछ वीकनेस इन द पर्सनैलिटी होती है कि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ऐसा एक ट्रेट होता है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है 10 साल पहले या 5 साल पहले या 20 साल पहले, आज तक आपको उस चीज का दर्द हो रहा है, एंड वो दर्द की वजह से आप खुश नहीं हो सकते बिकॉज आपके पास सब कुछ है बट यू आर नॉट हैप्पी, तो ये दिमाग से वो पेन निकलता है लोगों का ऑफ नॉट फॉरगेटिंग. Some people are, you know, very, very sensitive, you know, to these kind of things. तो ये सारी चीजें, you know, हम लोग analysis कर सकते हैं. For advanced, you know, entrepreneur, जैसे मैं बोलता हूँ, that is like minimum 100 crore turnover होगा. Only then I can give my services there because there the challenges are different. तो एक बार आप, you know, business में successful हो गए, उसके बाद आपको, you know, जो भी आपने plan किया था life में कि आपका एक business हो, उसका 100 crore turnover होना चाहिए, घर हो गया, गाड़ी हो गई, international travel हो गया, future secure हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद your age is still 50 suppose. तो 50 साल से अगले 20-25 साल में, and that is when graphology helps you to find out what is your purpose in life. आपका पर्पस क्या है, you know, आपको अब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, then why should you grow the business? तो आपका कॉलिंग क्या है, आपका पर्पस क्या है, because after a point, you know, I have seen closely, I have coached very closely people जिनका turnover 6,000 crore है, 1,000 crore है, but after some time, the motivation to earn money goes away. You should have a purpose. आपके पास एक कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, और वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. That's the reason, psychology में एक term use की जाती है जिसको कहते हैं कि midlife crisis. 45-50 के आसपास ये midlife crisis आ जाता है, जब आप, you know, if you achieve all basic dreams, जो आप, you know, 16 साल की उम्र से देख रहे हैं. 16 साल की उम्र में हर इंसान क्या सोचता है कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, मुझे एक जॉब होनी चाहिए, मुझे मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, मेरा एक फैमिली होनी चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा लग्जरी होनी चाहिए. ये 40-45 तक इंसान कमा लेता है, बट उसके बाद का मोटिवेशन और पर्पज उसके पास नहीं होता है. सो वी डू अ पर्पज आइडेंटिफाइंग एक्सरसाइज विद ग्राफोलॉजी, जिसको कम से कम एक साल लग जाता है, एंड देन यू नो वॉट यू शुड डू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. अभी मेडिकल साइंस इतना पावरफुल हो चुका है कि हम सब के मिनिमम 80-85 ईयर्स तो कम से कम जिंदा रहने वाले, बिकॉज इट इज बिकम सो पावरफुल कि आपको लोग जाने नहीं देंगे, यू नो. सो यू विल हैव टू सर्वाइव. तो अगर आपने यू नो सारा पैसा कमा लिया है अराउंड 40-45, अगर एक बड़ी कंपनी आपने एस्टैब्लिश कर ली है, तो टिल द एज ऑफ 80 आप क्या करेंगे? दैट इज व्हाई पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे लुक फॉर थ्रिल्स इन लाइफ, यू नो. सो थ्रिल्स की वजह से कोई, यू नो, किसी ने एक दूसरा बिजनेस शुरू किया, किसी और ने कुछ यू नो पैरेलली दूसरा कर लिया, क्योंकि उनको पता नहीं कि अब मुझे मजा किस में आ रहा है, यू नो. तो वो पर्पस आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत लंबी डिस्कशंस होती है. तो नॉर्मली एक सेशंस हमारे होते हैं, वो एवरी 15 डेज आई सी देयर हैंडराइटिंग, मैं उनका हैंडराइटिंग देखता हूँ और उनको बताता हूँ कि आप ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है. जैसे हम लोग डायलिसिस करते हैं, यू नो, हर महीने लोग करते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं रेगुलरली कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, आपका ब्लड लेवल कैसा है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये देखने के लिए हम लोग ग्राफोलॉजी एनालिसिस करते हैं. एंड एवरी टाइम एवरी 15 डेज यू नो वी टीच देम सम थेरेपीज आल्सो, सम यू नो मेंटल प्रैक्टिसेस एंड सम राइटिंग स्किल्स. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज अफर्मेटिव राइटिंग विथ ग्राफोलॉजिकल इनपुट. जैसे आपके अल्फाबेट्स में कुछ चेंजेस करना है और उसके साथ अगर आप अपने अफर्मेशन लिखें कि मुझे क्या अचीव करना है 1, 2, 3, 4, 5 साल में, तो राइटिंग इज अ वेरी पावरफुल थिंग. यू नो आजकल हम लोग सब टाइप करते हैं, बट टाइपिंग में ब्रेन इतना यूज नहीं होता जितना राइटिंग में होता है, बिकॉज राइटिंग में ऑल योर फिंगर्स आर यूज and the fingers is the maximum connection to. So jitna aap likhoge, so we always say this sentence that think on paper, don't think in the air. Agar aapko kuch sochna hai to likhiye aur sochiye. Hum hamare workshops mein bahut baar bolte hain ki hamara face aise hota hai har baar ki mere mein bahut problem hai, to in our workshop hi se aapke problem likhiye, jitne bhi problem hai aap paper par likhiye. And you can also try, hamare audience try kar sakte hain ki agar aapko lagta hai aapke life mein bahut problems hai, तो लिखिए आप आपके प्रॉब्लम्स क्या है. आई एम गारंटीड, आई एम श्योर कि आप 5 या 6 से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लिख पाओ, बिकॉज जब आप लिखते हो तो आपको क्लैरिटी आना शुरू होती है. एंड व्हाट यू आर थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड कि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सिर्फ मैं ऐसे सोच रहा हूँ. बिकॉज इफ फॉर राइटिंग यू नीड क्लैरिटी, तो जितना आप लिखोगे आप चैलेंजेस, अपने सॉल्यूशंस, अपने ऑप्शंस, आपको क्या करना है, उतना क्लैरिटी आपके लाइफ में आएगा. एंड दैट क्लैरिटी हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर
to go ahead, what he wants to do and what he does not wants to do. So I think with that, we can, this is more, a gist of what is graphology.